हेलो क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल माई सेल्फ परमेश्वर सिंह क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ चैप्टर नाइन एंड चैप्टर नेम इज़ एडिटिंग सेल्स इन एम एस एक्सएल टू थाउजेंड टेन सी टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन एडिट सेल कॉन्टेंट्स बाई मीन्स आप सेल कॉन्टेंट्स को एडिट कर सकते हैं ऑप्शन ए ओवर राइटिंग ऑप्शन बी पार्सियल मोडिफिकेशन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी तो यहां पर दोनों ऑप्शन सही हैं ओवर राइटिंग से भी आप कर सकते हैं और पार्सियल मोडिफिकेशन से भी सेल को एडिट कर सकते हैं ओके तो यहां पर होगा ऑप्शन सी करेक्ट मीन्स बोथ ए एंड बी नेक्स्ट द अंडू एंड रीडू कमांड्स आर अवेलेबल ऑन मीन्स अंडू और रीडू कमांड अवेलेबल होता है ऑप्शन ए क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन बी टाइटल बार ऑप्शन सी स्क्रॉल बार तो इसका राइट आंसर होगा क्विक एक्सेस टूल बार नेक्स्ट द कंट्रोल प्लस सी की कॉम्बिनेशन इज यूज टू द सेल कॉन्टेंट मींस कंट्रोल सी कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है सेल कॉन्टेंट्स को क्या करने के लिए ओके okay. तो ऑप्शन देखिए कॉपी ऑप्शन बी कट ऑप्शन सी पेस्ट इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैप मींस कौन सा ऑप्शन होम टैप के क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल नहीं होता है ऑप्शन ए कट ऑप्शन बी डिलीट ऑप्शन सी पेस्ट इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी डिलीट नेक्स्ट द लोकेशन ऑफ हिडेन रोज इज ोकेटेड बाई लाइन्स मीन्स जो रोज हिडेन होते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है किस प्रकार के लाइन्स से ओके okay? ऑप्शन है ए रेड ऑप्शन बी ब्लू ऑप्शन सी ग्रीन इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी ग्रीन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन द वर्ड अपियर्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार वेन सेल्स आर इडिटेड मीन्स जब हम सेल्स को एडिट कर रहे होते हैं एक्सेल में तो स्टेटस बार के लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देता है वर्ड कौन सा वर्ड होता है इसका आंसर होगा एंटर ओके नेक्स्ट। प्लस वाई मीन्स कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की है कौन से कमांड की है इसका आंसर है रीडू नेक्स्ट द क्लीबोर्ड ग्रुप इज फाउंड अंडर द टैब मीन्स क्लीबोर्ड ग्रुप कौन से टैब में पाया जाता है इसका आंसर है होम नेक्स्ट सेलेक्ट द सेल्स एंड प्रेस की टू डिलीट द सेल कॉन्टेंट्स मीन सेल को सेलेक्ट करिए और कौन से की को प्रेस करेंगे सेल कॉन्टेंट्स को डिलीट करने के लिए इसका आंसर है डिलीट नेक्स्ट क्वेश्चन टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स इन अ वर्कशीट प्रेस मींस वर्कशीट के सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस करेंगे इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ए नेक्स्ट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वर्कशीट मींस वर्कशीट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कौन इसका आंसर है सेल्स ओके सेल्स वर्कशीट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मीन्स वर्कशीट सेल्स से ही मिलकर बना होता है देखिए राइट ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन द शॉर्टकट की फॉर रीडू कमांड इज कंट्रोल एस मीन्स रीडू कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल एस फॉल्स है क्योंकि कंट्रोल सेव करने, करने का मतलब यह होता है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट करना okay? तो होता है क्योंकि एक्सेल में कॉपी के लिए अलग कमांड है और पेस्ट करने के लिए अलग कमांड है ओके okay? तो आंसर होगा यहां पर फॉल्स नेक्स्ट Overwriting is when you want to replace द entire content ऑफ अ सेल Means, overwriting कब करते हैं जब हम चाहते हैं कि सेल के पूरे content को रिप्लेस करना okay. तो बिल्कुल नेक्स्ट कंट्रोल प्लस 10 इज यूज टू हाइड अ रो और कॉलम मीन्स कंट्रोल प्लस 10 का यूज किया जाता है रो और कॉलम को हाइड करने के लिए ये फॉल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल प्लस भी इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट द डेटा मीन्स डेटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिप बोर्ड इज एन एरिया वेयर द कॉपीज और मूव डेटा इज स्टोर्ड टेम्पोरली मीन्स क्लिप बोर्ड वह एरिया होता है जहां पर कॉपी किए गए और मूव किए गए डेटा स्टोर होते हैं टेम्प्रोरली तो इसका आंसर होगा ट्रू ओके नेक्स्ट शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वाट आर द टू डिफरेंट वेस टू एडिट सेल कॉन्टेंट्स मीन्स सेल कॉन्टेंट्स को एडिट करने के कौन से दो डिफरेंट तरीके हैं देखिए आंसर फर्स्ट मेथड है बाई ओवर राइटिंग और सेकेंड मेथड है बाई मॉडिफाइंग देम पार्सियली मीन्स थोड़ा चेंज करके या फिर पूरे कॉन्टेंट को हटा करके ओके okay, दो मेथड है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू सेलेक्ट नॉन एडजिटेंट सेल्स इन वर्कशीट मीन्स एक वर्कशीट में जो सेल्स पास पास नहीं होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए आंसर सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक द लास्ट रो कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट मीन्स पहले आप उस रो या कॉलम या सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए फिर आप कंट्रोल की प्रेस करिए और फिर नेक्स्ट जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीडू एंड अंडू कमांड मींस रीडू और अंडू कमांड का फंक्शन क्या होता है देखिए आंसर रीडू कमांड रीडू एन एक्शन दैट वाज अंडन बाय अंडू कमांड वाइल द अंडू कमांड अलाउज यू टू गेट बैक ऑन द लास्ट एक्शन यू हैव डन मीन अंडू कमांड का प्रयोग होता है रीडू करने के लिए जो वर्क अंडू के द्वारा बैक किया गया होता है ओके और जबकि अंडू कमांड का प्रयोग होता है किसी भी वर्क को एक स्टेप बैक करने के लिए ओके मीन्स जितनी बार आप प्रेस करते जाएंगे वो बैक होता जाएगा वो तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है ओके देखिए रीडू का मतलब क्या है एक्चुअल में जैसे सपोज करिए आपने किसी करेक्टर को या फिर वर्ड को आपने बोल्ड कर दिया ओके फिर आपने उसको अंडू कर दिया कि मुझे बोल्ड नहीं करना था ओके okay, आपने उसको अंडू कर दिया तो वो फिर से नॉर्मल हो गया ओके okay, और आप चाहते कि नहीं मुझे बोल्ड करना ही था तो आपने फिर क्या कंट्रोल वाई प्रेस कर दिया तो अब वो फिर से बोल्ड हो जाएगा समझ पाए ओके okay, तो ये होता है रीडू और अंडू फंक्शन का यूज नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग सेल कॉन्टेंट्स एंड मूविंग सेल कॉन्टेंट्स आंसर देखिए कॉपिंग सेल कॉन्टेंट्स मीन्स कॉपी डेटा फ्रॉम वन लोकेशन एंड क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा टू अनोदर लोकेशन मीन्स कॉपी का मतलब यह होता है कि डेटा को एक स्थान से कॉपी करना और उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना दूसरे लोकेशन पर ओके वाइल्ड मूविंग सेल कॉन्टेंट्स मीन्स मूव एक्चुअल डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर लोकेशन जबकि मूव करने का मतलब यह होता है कि कोई एक डेटा एक स्थान पर है उसको पूरी तरह से वहां से हटा करके दूसरे स्थान पर रख देना इसे कहेंगे मूव करना नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट सेल्स मींस एक्सल में सेल्स इंसर्ट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं तो टोटल थ्री तरीके हो सकते हैं फर्स्ट हो सकता है कि आप एक सिंगल सेल को इंसर्ट कर लीजिए या फिर ब्लॉक ऑफ सेल्स को कर लीजिए ओके okay? और सेकंड मेथड हो सकता है कि आप एक कंप्लीट रो को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप एक कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए ओके तो ये टोटल थ्री वेज हो सकते हैं सेल्स को इंसर्ट करने के एक्सल में ओके नेक्स्ट राइट द स्टेप्स टू चेंज रो हाइट एंड कॉलम विड्स मीनस रो की हाइट और कॉलम की विड्स चेंज करने के लिए स्टेप्स राइट करिए ओके देखिए रो uh, की हाइट चेंज करने के लिए देखिए ये स्टेप्स हैं पहले आप उस रो को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं उस हाइट को ओके फिर आप होम टाइप पर क्लिक करेंगे और सेल्स ग्रुप में जाएंगे वहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे फिर वहाँ से आप रो हाइट सेलेक्ट करेंगे और रो हाइट चेंज करने का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और वहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे और फिर ओके कर देंगे ओके इस तरह से रो की हाइट चेंज हो जाएगी स्टेप्स टू चेंज कॉलम वेड्थ मीन्स कॉलम की वेड्थ को चेंज करने के लिए स्टेप्स देखिए सेलेक्ट द कॉलम मीन्स उस कॉलम को सेलेक्ट करिए जिसकी हाइट को सॉरी विथ्थ को आप चेंज करना चाहते हैं ओके फिर वही सेम प्रोसेस है होम टाइप पर क्लिक करिए फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करिए ओके और फिर सेलेक्ट कॉलम विथ्थ उस पर क्लिक करिए जो कॉलम विथ्थ ऑप्शन है ओके और फिर कॉलम विथ्थ को चेंज करने के लिए डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा वहाँ पर आप वैल्यू एंटर करेंगे जो भी आप चाहते हैं ओके और फिर आप ओके okay बटन पर क्लिक कर देंगे ओके तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आंसर काफ़ी बड़ा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा आंसर नहीं काफ़ी सिंपल है आप केवल ये थ्री स्टेप्स को लर्न कर लीजिए ओके यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर रो लिखा हुआ है ओके और यहाँ पर रो हाइट है यहाँ पर रो हाइट है ओके बस आपको सिंपली चेंज करना देखिए यहाँ पर रो है तो यहाँ पर कॉलम हो गया और यहाँ पर देखिए कॉलम विथ है यहाँ पर रो हाइट है सिंपल चेंज हुआ यहां है यहाँ देखिए कॉलम विथ्थ है यहाँ पर रो हाइट है ओके तो बहुत थोड़ा सा चेंज करके आप आंसर को राइट कर सकते हैं ओके देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन दृष्टि हैज क्रिएटेड द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट डिटेल यूजिंग एक्सेल 2010 हैव द फॉलोइंग डिटेल्स मींस इसे दृष्टि ने क्रिएट किया है और उसने नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ और कांटेक्ट ए टोटल फोर कॉलम्स उसने क्रिएट किया है एक्सेल में ओके सी फॉरगेट टू ऐड एड्रेस कॉलम लेकिन वो एड्रेस कॉलम को एड करना भूल गई है आफ्टर डेट ऑफ बर्थ मीन्स डेट ऑफ बर्थ के जस्ट बाद उसे एड्रेस कॉलम ऐड करना था लेकिन वो भूल गई हाउ कैन सी इंसर्ट न्यू कॉलम विदाउट चेंजिंग द एग्जिस्टिंग टेबल सेटिंग मीन्स इस टेबल के सेटिंग को बिना बदले वो कैसे एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकती है ओके okay? देखिए तो उसे क्या करना चाहिए कॉलम डी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए और फिर होम टाइप क्लिक करना चाहिए सेल्स ग्रुप में जाना चाहिए और फिर जो वहां पर एरो होता है उस पर क्लिक करना चाहिए इंसर्ट बटन के नीचे ओके okay, और फिर यहां से इंसर्ट सीट्स कॉलम ओके उस पर क्लिक करना चाहिए जिस तरह से उसको न्यू कॉलम मिल जाएगा नेक्स्ट मानो क्रिएटेड एन एक्सल सीट स्टूडेंट्स बाई मिस्टेक ही हैज फॉर टू स्टूडेंट्स हाउ कैन ही करेक्ट द मार्क्स न्यू ओके means मानव ने एक्सेल शीट क्रिएट किया इसमें क्लास फाइव के स्टूडेंट्स के मार्क्स उसने इंटर किए हैं और दो बच्चों के मार्क्स को उन्होंने मिस्टेक कर दिया है और चाहता है उसको चेंज करना करेक्ट करना ओके ही शुड यूज ओवरराइटिंग मेथड टू एडिट सेल्स मींस उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए उसे ओवरराइटिंग मेथड का यूज करना चाहिए सेल्स को एडिट करने के लिए ओके ओके क्लास इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग